खरगोन जिला कलेक्टर द्वारा स्वामी विवेकानंद सभागृह हॉल में गुरुवार को बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैठक आयोजित की गई। नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद रहे। लिहाजा आयोजित बैठक में सांसद गजेंद्र पटेल, जिला कलेक्टर अनुग्रह पी, विधायक सचिन बिरला सहित अधिकारी सदस्य भी उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री डंग ने बताया कि कोरोना को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण पहलुओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सांसद द्वारा ऑक्सीजन की कमी को लेकर जल्द कार्य पूर्ण करने का भरोसा दिलाया गया है। आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, लगातार जो कोरोना महामारी पर लगातार जो इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध है, क्या कमियाँ हैं, उसको हम आगे कैसे पूरी कर सकते हैं, वर्तमान में जो यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगा हुआ है उसकी क्या हालत है, उसमें आगे क्या अपन को स्टेप उठाने हैं, और वैक्सीन लगाने के लिए आगे और कौन से कदम उठाएं जिससे वैक्सीन अधिक से अधिक व्यक्तियों को लग सके, ये आज हमने पूरी यहाँ पर बैठक में सब तय करा है। और मेरा मानना है पूर्ण एक सहमति के साथ एक कोरोना से लड़ाई लड़ना, एक को इलाज करना है जिसकी सुविधाएँ सब उपलब्ध कराना है, एक दूसरी लड़ाई अपन को ये लड़ना है कि कोरोना होने से वंचित व्यक्तियों को वंचित रहे, वो भी लड़ाई अपन को लड़ना है कि कोरोना होए ना, और उसके कारण अगर वैक्सीन लगता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता एक अपने मन से जो डर है और भय है जिनके मन में कि वैक्सीन लगाने से कोई गड़बड़ होती है या कोई गलत होता है, तो आज मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि एक मेरे को कल मैंने झाबुआ मीटिंग ली थी, 75 साल के एक व्यक्ति ने, भोरा समाज के थे, उन्होंने 2 वैक्सीन लगवाई, उनको कोरोना हुआ और 5 दिन के अंदर ठीक होके वो वापस अपने घर चले गए। मेरा मानना है कि जो वैक्सीन का जो टीका लगवाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा, कोरोना होने के बाद भी कोरोना से उसकी कोई जो मृत्यु होने का जो डर रहता है वो कतई नहीं रहेगा और वो सुरक्षित होगा। इसलिए हमने एक सामाजिक मीटिंग भी अभी बुलाई है, समाज के प्रमुखों को यहाँ पर बुलाया है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने हिसाब से सामाजिक समीकरण के हिसाब से उनकी धर्मशाला में वैक्सीन लगवाएं और अपने को भी सुरक्षित रखें और अपने देश को भी रखें। ये आज बात हुई है। जैसे अभी अपन सबको देखने में आ रहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऑक्सीजन, और इसलिए खरगोन जिला चिकित्सालय में एक नए ऑक्सीजन प्लांट का काम भी प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने 37 ऐसे जिले चिन्हित किए थे जिसमें अत्यंत ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और इसमें बड़वानी और खरगोन मेरी लोकसभा के दोनों ज़िले शामिल हैं, और दोनों ही जिलों के ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत होगी। 85 लाख से बनने वाला ये ऑक्सीजन प्लांट निश्चित तौर पे 15 दिन में उसका बेसमेंट तैयार हो रहा है, और 15 दिन बाद वो जिस कंपनी से अनुबंध किया है वो कंपनी आएगी, और आने वाले 1 महीने में हमारे खरगोन हॉस्पिटल में जितने पेशेंट भर्ती रहेंगे उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का प्लांट डल जाएगा जिसका लाभ हमारे खरगोन की जनता को मिलेगा। जेएसआर टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।